हेलो गाइस, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बीमार है। और आपको पता ही होगा कि हम अभी डीडीहाट से खटीमा तक पहुँचे पिछली वीडियो में, और अभी हम खटीमा से लखनऊ पहुँचे हैं। लखनऊ में एक फेमस जगह है जिसका नाम है फियोनिक्स प्लासियो मॉल। ये मॉल बहुत बड़ा है और सुंदर भी है। अभी इसके अंदर कॉफ़ी लेने जा रहे हैं। ये मॉल ठीक क्रिकेट स्टेडियम के बगल में है जो लखनऊ में स्थित है। इस मॉल को बाहर से ही देख के आपको पता चल जा रहा होगा कि ये कितना बड़ा मॉल है। अंदर जाते ही हमें अलग अलग कंपनी और ब्रांड्स के पोस्टर्स, जिनमें से कुछ आइनॉक्स, H&M, स्टारबक्स, शॉपर शॉप थे। मेरे ख्याल से आपने इन सब के नाम भी सुने होंगे और किसी किसी ने तो शॉपिंग भी की होगी H&M से, और किसी ने तो स्टारबक्स से कॉफ़ी भी पी होगी। जिसने कॉफ़ी पी है या शॉपिंग की है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अंदर जाने पे हर बड़े मॉल की तरह इस मॉल में भी चेकिंग शुरू हुई। पहले तो बड़ी मॉम को समझ में नहीं आया कि करना क्या है, पर बाद में उन्हें पता चल गया कि सबसे पहले हमें यहाँ बैग रखने हैं। फिर हम एक एक करके अंदर चेकिंग में गए। वहाँ पर एक लेडी थी जो सबको चेक कर रही थी अपने डिवाइस से। अंदर जाने पे हमें बहुत सारी डेकोरेशन देखने को मिली और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद आई। हमने बहुत सारी शॉपिंग की और कॉफ़ी भी पी और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके वापस जाने लग गए थे। थोड़ी देर बाद हमें एक वाइट बॉल्स और रेड बॉल्स और कुछ लाइटों से बना हुआ एक प्यारा सा क्रिसमस ट्री टाइप का कुछ दिखा। उसके बगल में एक प्यारा सा ट्री भी था जहाँ पर मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद मैंने एक सेंटा वाली प्यारी सी जगह दिखी जहाँ मैरी क्रिसमस करके एक छोटा सा कपकेक वाला जाइंट व्हील चल रहा था, और अंदर पर बहुत सारी कुकीज़ भी थी जो शायद क्रिसमस से रिलेटेड थी। वो बहुत ही क्यूट थी तो मैंने एक दो खा ली मम्मी से बोल के, वरना मम्मी मेरे को दिला ही नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद हम कुछ वीडियोस, कुछ रील्स और शॉर्ट्स बनाने के बाद हमने सोचा कि अब क्यों ना जाया जाए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और हमें इलाहाबाद भी पहुँचना था, वरना हम रात के 11 बजे तक पहुँचते। पर उससे पहले हमें रोहित दादा कहीं नहीं मिल रहे थे। हम उन्हें ढूंढने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन करके बताया कि वो बाहर पर वेट कर रहे हैं सारे सामान के साथ। जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना कुछ वीडियोस ले लूँ जो आपको मैं दिखाऊँ इस मॉल की सुंदरता के बारे में। ये बहुत ही क्यूट मॉल है, आपको यहाँ पक्का आना चाहिए, और यहाँ की ये प्यारी सी कुकीज़ बिल्कुल खानी चाहिए। ये तो खाली थोड़ी सी क्रिसमस बना रहे थे, लेकिन अगले दिन जब असली क्रिसमस थी तो यहाँ असली भीड़ आती। अभी तो नॉर्मल भीड़ है, नॉर्मल से भी बहुत कम भीड़ चल रही थी यहाँ। आप यहाँ पर सेंटास चॉकलेट कैसल भी देख सकते हैं जो कि यहाँ के मॉल वालों ने बनाया है, और यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स भी रखे हैं। थोड़ी देर बाद हमने फिर से रील्स बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब रील्स तो कोई भी बनाएगा ऐसी जगह पर जाके। रोहित साहब बाहर वेट कर रहे थे और हम यहाँ रील्स शूट कर रहे थे। उनको बहुत टाइम लगा हमें कॉल करने में, लेकिन उससे पहले हमने सोचा क्यों ना हम एस्केलेटर में चढ़ के नीचे जाके एक बार देख लें कि नीचे है क्या। नीचे दरअसल एक पार्किंग की जगह थी जिसमें कार्स पार्क हो रही थी लेकिन टैक्स के साथ। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया था और रोहित दादा कब से बाहर खड़े हैं और हमारा वेट कर रहे थे, तो मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी बाहर चलते हैं, और फिर हम लोग बाहर को चले गए। Thank you.
बाहर निकलते ही आप देख सकते हो कि मॉल कितना सुंदर है और यहाँ पर आने वाले की कोई कमी नहीं है। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे पेड़ भी लगे हुए हैं और बहुत सारे से ब्रांड और कंपनीज के पोस्टर भी लगे हुए हैं। अब हम और आगे जा रहे हैं क्योंकि हमारी कार आगे खड़ी हुई है। कुछ देर बाद हम चलते चलते मॉल से बाहर भी निकल गए और हमने कार भी ले ली अपनी और आगे को बढ़ गए। और अभी मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहती हूँ हमारे मॉल में जब हम अंदर गए। ये व्लॉग मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और अगर आपको ये पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय बाय।